अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल जिंदगी जी, और निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और आज की वीडियो में बहुत ही प्यारी सी मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। और जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको मेकअप कुछ भी नहीं करना आता, मेकअप का अलिफ भी नहीं आता, बिल्कुल मेकअप नहीं आता, तो वो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें, तो आपको ज़रूर जो है वो मेकअप में आप स्किलफुल हो जाएंगे, आपको मेकअप करना आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको बताऊंगी साथ साथ आपको गाइड करूंगी कि किस तरह से अगर आपको मेकअप नहीं आता तो ये चीज़ें करके आपको मेकअप करना आ सकता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, मेकअप करना बहुत आसान होता है, बस आपके पास जो मेकअप की बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ वैसलीन लोशन, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है काफ़ी ज़्यादा। तो आपने, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने लोशन को स्किप कर देना है, प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोशन मत लगाएं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। ठीक है, अच्छी तरह से लोशन को मैं लगा लूँगी अपने फेस पे। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा थोड़ा ड्राई होने दूंगी, और इसके बाद मैं जल्दी से यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपको कहीं जाने की भी जल्दी हो तो ये मेकअप जो है आप 10 मिनट में रेडी होके जा सकते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज़ की फाउंडेशन। ठीक है, बिल्कुल ज़रा से, ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आपने अपने कलर के मुताबिक, अपनी स्किन कलर के मुताबिक इसको लेना है। ठीक है, और कोशिश करें कि फाउंडेशन जो है वो मैट में यूज़ किया करें। ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर बकायदा लिखा होता है कि ये मैट में है, तो आप लोग मैट में फाउंडेशन यूज़ किया करें, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी, आपने एकदम से ज़्यादा सारी फाउंडेशन नहीं लगानी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लगानी। ठीक है, अब मैं ये ब्लेंडर को गीला करना है, आपने ये गीला होके फूल जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको ऐसे कर लेंगे, इसका पानी सारा निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूँगी। ठीक है, जल्दी जल्दी से बेसिक जो चीज़ है ना वो आई शेडोज है, वो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको आई शेडो नहीं लगाना आते तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं, और हर तरह के ड्रेस के साथ ये मेकअप जो है वो चल जाएगा। आज मैं ना बैठ के मेकअप नहीं कर रही, खड़े होके कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से लगाने के बाद गर्दन पे भी लगाएं, ताकि गर्दन भी आपकी अपनी लगे, किसी और की ना लगे। अच्छा जी, अब मैं एज अ कंसीलर यूज करने वाली हूँ टीवी स्टिक, एवरीवन का शेड है ये। ठीक है, अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के बाद मैं इसको लगा लूंगी थोड़ा अपने डार्क सर्कल्स पे, और जहाँ भी आपकी स्किन जो है थोड़ी सी ब्लैक है वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। ठीक है, और अब इसी को इसी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। ठीक है, ब्लेंड आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपका मेकअप जो है वो अच्छा होगा। ये देख सकते हैं, अब आपका ना जो फेस पाउडर होते हैं वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी बेस अच्छी तरह से बैठ जाए। पीछे से उसको उठा के ले जाओ। आज मैं दिन के टाइम वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। सच बात बताऊँ, ना दिन में वीडियो बंदा बना सकता है बस, और ना रात को, मतलब क्या करूँ मैं, किधर जाऊँ। और गर्मी देख लें आप, इस गर्मी ने पता नहीं कब जाना है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेरी बेस पर क्रैक्स नहीं आए हैं, जो बेस है
उस पर क्रैक्स नहीं आए, ठीक है। अब इसको मैं स्पंज के साथ अच्छी तरह से बिठाऊंगी बेस, ठीक है। रगड़ना नहीं है मेकअप को, आपने ऐसे टैप टैप करके करना है। अच्छी तरह से आंखों के नीचे, नोज के यहाँ पे, ताकि इक्वल स्किन लगे आपकी। कानों पे भी लगाएं, ठीक है। क्या अब आ जाती है आईब्रो फिलिंग की बारी। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंस देख सकते हैं, मेरी जरा लाइट है तो इसलिए मैं पहले थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लेके, एज इट इज़ जैसी आपकी आईब्रोज की शेप है आपने वैसे ही रहने देनी है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं लेके आनी, ठीक है। गो विद द नेचुरल, जैसे आपके फीचर्स हैं वैसे रखें, बस मेकअप ये होता है कि उन फीचर्स को इनहेंस कर देता है, ठीक है। पहले मैंने ब्राउन शेड से फिलिंग कर ली आईब्रोज की, अब ब्लैक थोड़ा सा आई शेडो किट से ही मैं, जो मेरे पास आई शेडो किट है, इससे ही कर ली। ठीक है, जरा बस एक थोड़ा सा टैप करना होता है, ज्यादा आई शेडो मत ले। ठीक है जी, अब थोड़ी सी ये थोड़ी रफ लग रही है तो इसको मैं थोड़ा नीट करूंगी, ठीक है। टिश्यू पेपर लेके ना इसको इस तरह से एक बार रब कर लें ताकि ये और ज़्यादा नेचुरल लगे। अच्छा जी, तो ये मैंने लगाया है टिंट, और टिंट का रिव्यू देखने के लिए, बहुत मज़े का टिंट है, तो आपने जाना है मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम मेरा निर्मला शेख के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में मैं नेम मेंशन कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा टिंट है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 12 आवर्स तक मतलब ये रहता है, और अगर आप लगा के सो भी जाएँ तो सुबह तक भी ये लगा रहता है। तो चलो जी, अब आई शेडो की आती है मेन बारी, आईब्रोज भी मैंने बना ली है, आती है आई शेडोज की बारी। तो आई शेडोज के लिए आप ज़्यादातर अगर एक्ट्रेसेस को भी देखें ना, तो उन्होंने क्या किया होता है, जैसे आपकी आंख का ये क्रीज है ना, मतलब जहाँ आपकी आंख खुल रही है और ये एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर अंदर आपने शेड लगाना है, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल मेकअप नहीं करना आता, उस सूरत में कह रही हूँ, अगर आपको मेकअप करना आता है फिर तो आपको पता है कि किस तरह से आउटर कॉर्नर बनाने हैं और किस तरह से इनर कॉर्नर बनाने हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो इस सूरत में क्या करना है, जैसे आपकी आँख खुल रही है ना, और जहाँ भी आपकी क्रीज है, क्रीज ये होती है ये जो लाइन आ रही है, इसके अंदर अंदर सिर्फ आपने शेड को रखना है और कहीं लेके नहीं जाना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सी भी आई शेडो किट ले लें, मेरे पास प्रोफेशनल की है, ठीक है। इसमें से मैं पीची सा कलर लूंगी सबसे पहले बेस कलर को देने के लिए, ठीक है, बिल्कुल लाइट सा पीची कलर पिंक की शेड में, और मैं रहूंगी बिल्कुल आंख की क्रीज के अंदर, बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है। बिल्कुल आईज के अंदर रहते हुए आई शेडो मैं अप्लाई करूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से होने वाला ये मेकअप है। ब्लेंडिंग इज द की फॉर सक्सेसफुल मेकअप, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से लगाऊंगी और दूसरी आंख में भी इसी तरह से पूरी आई शेडो पे, पूरी आईज पे आई शेडो जो है वो स्प्रेड कर लूंगी, ठीक है। बाहर नहीं जाना आपने ज्यादा आंख के, और कोशिश करें कि मैट में लगाएं, ठीक है। ये देख लें, अब इसको बस ब्लेंड आउट करना है अच्छे तरीके से।
अच्छा जी, आंख के इस हदूद में रहते हुए आप जितना मर्जी मेकअप कर लें आपका डिसेंट लुक ही आएगी, बस ये कि आपने आउटर कॉर्नर्स नहीं बनाने, आपने आंख की इस हदूद के अंदर रहते हुए मेकअप करना है। अब अगर आप और ज़्यादा फैंसी बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी टिप्स हैं आपके लिए कि आपने मैट शेड लगाया तो उसके अंदर इसी कलर का शिमर शेड लगा लें, या आप शिमर लगा लें सिंपल जो ये वाला शिमर होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका फैंसी लुक हो जाएगी। अब आती है लाइनर की बारी। अगर आपको लाइनर नहीं लगाना आता तो आपने क्या करना है, कोई भी जो लाइनर होता है गीला करके जो लगाते हैं, मैं मिस रोज का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इस लाइनर को लेके आपने अच्छी तरह से इस पे लाइनर जो है केक लाइनर जो है ये लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक लाइन आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है इस तरह से विदाउट एनी शेप, ठीक है, ये देखें, और इसी तरह से इधर भी लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, हो गई। अब इसको ड्राई होने से पहले पहले क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ब्लेंड आउट। ठीक है, ये लाइनर की मैं टेक्निक बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं लगाना आता उस सूरत में, अगर आते तो गो विद द फ्लो जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको कर लेंगे ब्लेंड आउट। ठीक है, आईज के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, नोके नहीं निकालनी, इस तरह से कर लेंगे ब्लेंड आउट। और कोशिश करें कि ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली, ये आपकी खाली ना रहे। इसी तरह दूसरी आंख पे भी ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैं अभी आपको एक्ट्रेसेस की पिक्चर भी आपको साथ साथ नजर आएंगी, आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज्यादा ये वाली जो मेकअप लुक है वो डिसेंट लुक देती है। ठीक है, आंख के बाहर नहीं जाना आपने, आंख के अंदर अंदर रहना। ठीक है जी, ये हो गया ब्लेंड अच्छी तरह से। और आईलैशेस लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आम कहीं जगह पे जाना है तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि फिर वो दुल्हन लुक देता है और लगता है कि पता नहीं कहाँ जाना है। बहुत स्पेशल अगर इवेंट होता है तो वहाँ पे आईलैशेस लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में लगाती ज़रूर नज़र आऊँगी। तो ठीक है, अब इसको भी आपने मज़ीद प्यारा वाला लुक देनी है, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आप शिमर लगा लें, ठीक है, इस तरह से टैप करें और बिल्कुल आँख के इस अंदर 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 रहते हुए आपने लगा लेना शिमर गोल्डन में। ठीक है, और शिमर लगा के तो आंख जो है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, पूरी आंख पे स्प्रेड कर लेंगे इसको इसी तरह से। ठीक है, शिमर से पहले तक का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन शिमर लगा के ये हुआ कि थोड़ी सी फैंसी लुक हो गई है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फैंसी लुक नहीं चाह रहे तो आप शिमर जो है वो यूज़ ना करें। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब आपको मैं लिपस्टिक का भी बता देती हूँ, वो ये कि लिपस्टिक की नोक से आप पहले, आपके पास लिपस्टिक है, अगर सबके पास होती है, अगर आपके पास लिप पेंसिल नहीं है तो उस सूरत में आपने क्या करना है, लिप्स अगर आपके मेरी तरह से छोटे हैं बारीक हैं तो आपने लिप्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ बाइंड करना। ठीक है, टिंट मैं पहले ही लगा चुकी हूँ और इसको लगा लेंगे पूरी आईज पे। घूम गई हूँ मैं दिमाग पूरे लिप्स पे लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ये
अब इसको थोड़ा सा मैट करने के लिए मैं इस पे मैट लिप ग्लॉस लगाऊंगी। लिप्स के यहाँ यहाँ पे लिपस्टिक लाजमी लगाया करें, वरना जो जब आप बोलते हैं तो वो खाली खाली जगह बहुत बुरी लगती है। ठीक है जी, ये हुई आज की मेकअप लुक कंप्लीट। अच्छा जी, एक बार आपको रिंग लाइट के बगैर भी मेकअप दिखा देती हूँ, ये देख लें आप। ठीक है, और भी इस मेकअप को इन्हांस किया जा सकता है जो कि मैं आपको वक्तन फवक्तन बताती रहूँगी। तो मेरी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी वीडियोस को वो लोग ज़्यादा देखते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो लोग ज़्यादा देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।